गुरु नानक पाद पंकज बंदन समरो अंगद दुख गोरे अमर दास हृदय नित श्री गुरु राम दास गुरु अर्जन बिघ्नन के हर गोविंद शुभ मत श्री हर राय नमो कर कृष्ण मना बहोरी एक बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बिसाला तर पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बार बार जगदीसा एकंकर सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए दोहरा मंडी पति मई पाल को सुध कीनी के ने आए अब लो गुर डेरा तहां चमो संग समुदाय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जपे ता अवगुण सब छपे करण कारण कृपा निदान पतत पावन भगत वछल अनाथ नाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां च एकत्र होई हाजरियां भर रहे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेट दुरमत खोई वड्या भागा वाले हो नेता प्रति नौवें पातशाह दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर के साहबे कमाल पंथ दे वाले चिट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर सरबंस दानी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी दे पवित्र इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा
बहुती अदब सत्कार श्रद्धा ते भावना सहित आप जी सरवण कर रहे हो। अरवाल सर साहिब सतगुरु कलगी धर जी विराजमान हन, इत्थे जो नाग जाति है और दूसरे पासे जो यक्ष हन उन्हां दी आपसी लड़ाई कलगीधर पातशाह जी ने निर्वृत कीती है। कुछ समा रवालसर साहब रह के अनेकां जीवां दी कल्याण सतगुरु कलगीधर स्वामी जी ने कीती है। शरणाया नूं अनेकां नूं तारिया है, हुक्म कीता खालसा जी चलो हुण वापस श्री आनंदपुर साहब चलीए। तैयारियां कीतियां, नगारे ते चोभां वजियां हन, श्री आनंदपुर साहब नूं महाराज जी परते हन। उधर मंडी दा राजा है सिद्ध सैन, गुरु साहब दे दर्शनां दा विलाखी है। आओ मन बिरतियां एकागर करके सतगुरु कलगीधर पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास सरवण करिए। दशमेश जी दे पवित्र चरणों का ध्यान हिरदे च वसाओ। वह प्रगटो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। ऐसे महान दीन दयाल सतगुरु कलगीधर स्वामी जी दे चरणा विच अपनियां हाजरियां लवाओ। समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, दोहरा मंडी पति मई पाल को, सुध कीनी किन आए। मंडी दे राजे सिद्ध सैन नूं किसी ने आके खबर दित्ती है, किसी ने आके सुध दित्ती है। अब लो गुर डेरा तहां, चमो संग समुदाए। ए कलगीधर पातशाह जी दा डेरा हाले तक रवालसर साहब विखे है, क्योंकि मेला लगे नूं काफ़ी दिन बीत चुके सन। तो राजे सिद्ध सैन नूं इह नहीं सी पता कि सतगुरु जी हाले इत्थे ही ने। किसी ने आ के खबर दित्ती कि कलगीधर पातशाह जी महाराज जी अपनियां फौजां समेत, अपने पंथ खालसे सिंघां दे समेत हाले श्री रवालसर साहब विखे ही विराजमान हन। चौपाई सुन कर अपने हृदय विचारी। मंडी दे राजे ने सुन के अपने हृदय च विचार कीती है। गुर आनो इस पंथ मजारी। सतगुरु जी नूं रवालसर साहब तो मैं जिहड़ा मंडी वाला राह है इस रस्त्यों लैके आवां, इस रस्त्यों कलगीधर पातशाह जी महाराज जी नूं बुलावा। मिलो जाए तैं निज संग लियाओ। और आप अगे चल के सतगुरां नूं मिल के महाराज जी नूं अपने नाल लैके आवा। निजपुर में डेरा उतराओ। और अपने नगर दे विच सतगुरु जी दा डेरा करावा। मंडी विच इहदा राज सी सुकेत मंडी। मन च भावना होई कि सतगुरु जी दा अपने नगर दे विच उतारा करावा, महाराज जी दे दर्शन दारे परस के उना दी सेवा टहल करा। सेवा करो प्रीत को धर के, अपने हिरदे च प्रीत धारण करके सतगुरां दी सेवा करा, क्योंकि सतगुर की सेवा सफल है। गुरु पातशाह जी दी सेवा फल सहित है,
गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगै आए। जमण मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए। तो सतगुरां दी सेवा करके महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त करां ए भावना मंडी दे राजे सिद्ध सैन दे मन विच होई है। दीन दुनी सुख पैहो करके और लोक परलोक दोहा जहाना विच सतगुरां दी सेवा करके मैं सुख प्राप्त करां। इत्थे भी मैनू सुख मिलेगा और अगे परलोक विच भी मैनू सुख दी प्राप्ति होवेगी। श्री मुख ते जिम बाक बखाने सतगुरु जी अपने मुखार बिंद चो जिस तरह का भी वचन उचारनगे जो हुक्म जो आग्या कलगीधर स्वामी जी करनगे। होए सुनिश्चे सब जग जाने ऐसा हुंदा है ये निश्चा है संसार दे सारे जगत दे विच लोक ए जानदे हन कि सतगुरु जी जो भी बचन अपने मुखार बिंद चो करदे ने जो हुक्म जो आग्या सतगुरु जी करदे हन कर इत्याद काम ना चढ़ियो संसार दे विच पूरा हुंदा ओ हो के रहिंदा जिहड़ा बचन सतगुरु जी करदे जिहड़ा भी बचन अपनी रसना तो करदे ने ओ पूरा हुंदा है। तो इस तरह मंडी दे राजे ने अपने हिरदे विच ए कामना कीती है कि कलगीधर पातशाह जी महाराज जी नू अपने नगर विच लिया के उतारा करवा के सतगुरां दी सेवा टहल करके महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त करा। गुरु मिलन को आनंद बढ़ियो सतगुरु जी नू मिलन दा भारी आनंद गुरदेव दे दर्शनां दी भारी खुशी मंडी दे राजे सिद्ध सैन दे हिरदे च हो रही है। लेकर संग चमू निज केरी ए विचार करके राजा सिद्ध सैन अपने कुछ सिपाहियां नू अपने कुछ अहलकार वजीरां नू नाल लैके कीतक दूर गयो तिस बेरी ए मंडी तो अगे रवालसर साहब वाले पासे नू अगे गया है। इहनू नहीं सी पता कि उधरों सतगुरु जी भी चल पए ने इधरों तुर पिया कि रस्ते विच अरवालसर साहब जाके सतगुरां नू बेनती करके लै के आवा। आवत गुरु अगारी चले और सतगुरु सच्चे पातशाह जी इहदे अगे जाण तो पहला उधरों महाराज जी पहले ही चल पए सन अरवालसर साहब तो इधरों राजा सिद्ध सैन चलिया उधरों सतगुरु सच्चे पातशाह जी चल पए हैं। इस तरह जापदा है कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी पहले ही रवालसर साहब तो अगे चल के आ गए। हरकत होए पंथ मोह मिले रस्ते विच ही बड़ी खुशी दे नाल राजा सिद्ध सैन महाराज जी नू मिलिया रवालसर साहब नहीं जाना पिया तो रस्ते दे बेच ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाल मिलनी हुई महाराज जी दे नाल मिलाप होया। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी भी बड़े प्रसन्न होए। उत्तर तुरंगम ते टिग गई सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी सवारी वेख के राजा सिद्ध सैन अपने घोड़े तो थले लथ के महाराज जी दा सत्कार करन लई अदब करन लई अगे चल के आया। चरण सरोज बंद ना कयो महाराज जी दे सोहने पवित्र चरण कमलां दे उत्ते बड़े अदब नाल सत्कार नाल राजे सिद्ध सैन ने राजे मंडी ने महाराज जी नू नमस्कार कीती है प्रणाम कीती है। हाथ जोड़ पुन बिनती पनी हाथ जोड़ के सतगुरु कलगीधर जी नू बेनती कीती है। बड़े सनिमर भाव नाल महाराज जी नू बेनती करदिया कहण लगा मैं जबरावर की सुध सुनी महाराज जदों मैनू खबर होई मैनू किसे ने आके सुध दित्ती कि आप जी हाले रवालसर साहब ही टिके हुए हो। इस मग लियावन हित सिधारा मैं अपने घरों चल के आप जी नू इस रस्त्यो लियाउण लई कि आप जी मंडी वाले रस्त्यो दी हो के वापस जाओ इस भावना नू अपने हिरदे च रख के मैं अगे चल के आया हाँ। तुम पूरा बई इत पग तारा सतगुरु जी तुसी ता बड़े दयालु हो
तुसी ता पहला ही इस रस्ते अपने चरण धर के आ रहे हो। मैं ता हाले लैण जा ही रहा सी, पर तुसी इन्ने कृपालू हो सतगुरु जी कि आप जी पहलो ही इस रस्ते चल के आ रहे हो। कट कट सब के जानन हारे, महाराज जी कट कट दे सारयां दे हिरदयां दे तुसी जानन हारे हो। सगल घटा का अंतर जामी, महाराज सारयां घटा दे अंदर किस दे घट च की वरतदा है, उस दे दिलां दी हिरदे दी तुसी जानन वाले अंतर जामी स्वामी हो। जन सिखन के काज सुधारे, और अपने जना ते सेवकां दे कार्ज सवारन वाले हो महाराज। अपने सेवकां दे दिलां दीआं बुझ के, अपने सेवकां दे हिरदिआं दी जाण के, हे कलगीधर स्वामी जी तुसी अपने सेवकां दे कार्ज सवारन वाले हो, अपने प्यारिआं दे कार्ज सवारन वाले हो। थिर घर वैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, महाराज तुसी अपने जना ते सेवकां दे कार्ज सवारन वाले हो। ममपुर में पावन कर पावन, महाराज मेरी कांखा है, मैं बेनती करन लई आप जी कोल रवाल सार आ रहा सी। रस्ते विच आप जी आप पहुंचे हो, मेरे ते कृपा करके दया करो महाराज, अपने पवित्र चरण मेरे नगर विच पा के मेरे नगर नू पावन ते पवित्र बनाओ। पावन करो सर्ब ही थावन, और मेरे नगर दियां सर्ब थावां नू आप जी अपने चरणां नाल छू के पवित्र करो। कलगीधर स्वामी जिथे तुसी अपने चरण पाउंदे हो सतगुरु जी, ओ थां भागशाली हो जांदा है, ओ थां पवित्र ते पावन हो जांदा है। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, महाराज ओ थां सुहावनी हो जांदी है, ओ थां पवित्र हो जांदी है महाराज, जिथे तुसी आण के विराजमान हुंदे हो। गुरसिख उस थां दी भाल करके उथों दी धूड़ अपने मस्तक ते लाउंदे हन कि इह थां मेरे सतगुरां दे पवित्र चरणां दे नाल छू के पवित्र ते पावन होई होई है। अज गुरद्वारा श्री बोती बाग साहब विखे नौवें पातशाह जी महाराज जी का आगमन होया। पटियाले शहर नूं महाराज जी ने किरतार्थ किया, जदों शहीदी देण लई मेरे साहब दिल्ली जा रहे सन, तो इत्थे मोती बाग साहब वाले पावन स्थान ते अज दे दिन सतगुरां ने उतारा किया सी। संगतां ओह दिन बड़ी श्रद्धा भावना आस्था सत्कार सहित गुरद्वारा श्री मोती बाग साहब विखे एकत्र हो के मनाउंदियां ने, अज भी मनाया जा रहा है। गुरसिख उस थां दी भाल करके उथों दी धूड़ चुक के अपने मस्तक ते लाउंदे हन जिथे सतगुरां दे पावन चरण पैंदे ने। राजा सिद्ध सैन बेनती करदिआं कह रहा है, सतगुरु आप जी तरस करो, कृपा करो, मेरी नगरी नूं अपने चरण पा के पवित्र करो। उत्थे आप जी दे चरण जदों स्पर्श होणगे तां ओह सारी धरणी पवित्र ते पावन हो जावेगी। श्री प्रभ कहो इसी मग आए, सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे, हे राजा सिद्ध सैन असी इसे रस्ते चल के आ रहे सी, तब मैं उतरे अव जाए, जरूर नगर विच आके उतारा करांगे। चढ़ो तुरंगम पर चल आगे, चलो राजा सिद्ध सैन जी घोड़े ते सवार होके तुसी अगे लगो, अपने नगर वल चलण दा साडा रस्ता जिहड़ा है ओह सुधारो ते अपने नगर वल नूं तुसी साडे अगे लग के चलो, असी नाल तुहाडे आउंदे हां। हम आवें तुझ पाछे लागे, तुसी अगे चलो असी तुहाडे पिछे चल के आउंदे हां। सुन गिर पत कै चलो पिछारी, सुन के राजा सिद्ध सैन कहण लगा, महाराज मेरी की मजाल, मैं तुहाडे अगे लगा ते तुसी पिछे आओ चल के। महाराज मेरे च इन्नी ताकत ताण किथे, नहीं महाराज मैं तुहाडे अगे नहीं लगना, तुसी मेरे अगे लगो, सतगुरु मैं तुहाडे पिछे चल के आवांगा। हर के संत बतावो मार्ग, हम पाछे लाग चली। महाराज
असी तो आप जी दे पिछे चल के जान वाले हा। जय प्रभ जी आप अगारी, महाराज तुसी आप अगे होवो, तुसी अगे लग के चलो, मैं आप जी दे पिछे आप जी दे चरणा दा दास बन के चलांगा। रावर को डेरा करवावो, और आप पिछे चलदिया नाल नाल महाराज आप जी दा डेरा मंडी विच करावांगा। पुन मैं अपने सदन सिधावो, फिर मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने घर वापस चला जावांगा। किम कै संग तुरंगम कीना, कह के मंडी दे राजे ने आप घोड़ा पिछे ला लिया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी नू अपने अगे टोरिया है। चलत पंत कै सुनत प्रवीन, और रस्ते विच कई बार सिद्ध सैन नू नेड़े सद के महाराज जी ना ओदे नाल बचन मिलास करदे हन, मंडी दे राजे नाल गल बात करदे ने, इलाके दी जानकारी पुछदे हन। दिवस टरयो चालत मग जाबे, और चलदिया चलदिया जदो दिन ढल गया, सरता तीर पहुंचे तबे, सतगुरु जी दरिया ब्यास दरिया वगदा इथे, दरिया दे कंडे सतगुरु कलगीधर जी पहुंच गए। तरे तरा पग जुग पग कमल, महाराज जी ने अपने दोनों पवित्र चरण कमल जमीन ते धरती ते रखे हन। दास आए शुभ फर्श विछावा, सेवादार आ गए क्योंकि शाम पै चुकी सी, हुण डेरा करना सी, सेवादारा ने आके सोने फर्श सोनी बिछाई, सोने गलीचे बिछा दते। उतरयो गिरपत चमू समेत, और राजा भी अपनी फौज दे समेत उतरिया है। श्री प्रभ निकट होए सहचेत, सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे कोल आया सुचेत होके। थान थान तट सिंह थिरे हैं, दरिया दे कंडे जिथे जिथे थां सिंघां नू मिलिया, जिस दे मन नू जेड़ी थां भाई, सारे सिंह आपो अपनियां थावां ते पड़ा करके उतर गए। सो नान सबन तन कीने, आदे निर्मल जल नाल सब ने सोच स्नान कीते हन। श्री प्रभ तब दस्तार सजाई, कलगीधर पातशाह जी महाराज केसां च कंघा फेरिया, सेवादारा ने शरदाई दे शरदाइयां के छकाइया, सिंघा ने भी शरदाइया छकिया, कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने केसा विच कंघा फेर जाया है। ऊपर बंद जिगा दमकाई, और करके गरीब नवाज जी ने उपर सुंदर जगह सजाई है, सोहनी कलगी अपने सीस ते सजाई है। चप चूलत कलगी बार तुंग, महाराज जी दी उच्ची कलगी जिस विच बड़ी सोहनी आभाकारी मीनाकारी कीती हुई है, ओ कलगी गुरदेव दे सीस उत्ते उच्ची हो के शोभनीक हो रही है। लगे जवाहर जगमग रंग, बड़े कीमती जवाहरात ओदे विच जड़े हुए जगमग जगमग करदे हन। आए खालसा लग्यो दीवान, सतगुरां दा सारा खालसा पहुंचिया महाराज जी दे पास, सतगुरु जी दा दीवान सज गया। हीरत सरता सुंदर पान, दरिया दा कंडा वेख्या बड़ा सुंदर है, पानी बड़ा साफ निर्मल पहाड़ा दे विच्चों उतर रहा है, तो बहुत ही सुंदर स्वच्छ ते निर्मल जल बह रहा है। मंडी पति बैठे हो प्रभ पास, मंडी दा राजा खुद आप सतगुरु जी दे चरणा विच हाथ जोड़ के बैठा होया है। तिस चिन बोले बाक प्रकाश, कलगीधर स्वामी जी उस वेले बोले अपने मुखो बचन उचार के कहन लगे। मंद मंद चल नीर गंभीर, महाराज जी कहंदे पानी बड़ा सुंदर चल रहा है, दरिया दा बड़ा सहजे सहजे धीमी गति च चल रहा है, और बड़ा डूंगा दरिया है। सुंदर शोभत है जुग तीर, और दोवें किनारे दरिया दे बड़े ही सुंदर हैं, बड़े शोभनीक किनारे ने दोवें दरिया दे। इक कट ले जल पर तर आवो, इस तरह करो सिंगो अज एक चोज करिए, एक कड़ा लेके जाओ,
किनारे तो थले जा करके ओ दूर जाके कि जदों इस पासे नू आवे जिधर बैठे हाँ तो इधरों निशाना ला सकीए। एक घड़ा जिहड़ा है हांडी वह कोई किसी तात की बनी होवे, मिट्टी की होवेगी छेती टुट जाएगी, इस करके एक घड़ा जां हांडी भी कह देंदे ने वह लिया के तुसी उत्थे जल दे विच ठिलो जल दे विच रखो। हतो निशाना तुपक चलावो, और सिंगो सारे निशाने लाओ, उस हांडी दा निशाना ला के गोलियां चलाओ। हुकम खालसे पर इम पयो, जदो इस तरह सतगुरां दा हुकम खालसे प्रति होया, एक सिंग कट ले तब गए हो। महाराज जी दे हुकम दी पालना करके एक सिंग कड़ा लैके दरिया वाले पासे नूं थले उतरिया। जित ते जल आवत तें तरियो, जिस पासों पानी आ रहा सी उधर जा करके ओ कड़ा रख दिता। सूदो कटा नीर पर तरियो, कड़ा सीधा करके रखिया, खाली कड़ा सी सीधा करके रखण करके ओ पानी दे उत्ते उत्ते तरदा आ रहा है। सकल सिंह लै ज्वाला बमणी, जिन्ने सिंह सन शाम दा वेला आही वेला सी जेडे वेले हुण आपां बैठे हाँ, सारे सिंह उस वेले बंदूकां फड़ियां होईयां ज्वाला बमणियां बंदूकां पकड़ के सिस्त बन्नण लगे, निशाना लाउण लगे। छोरी गन गोरी अर्ध मणी, कहिंदे सिंघां ने उस वेले वारो बेरी करके गोली चलाई है। रहे चलाए सिंघ बहु तेरे, बहुत सारे सिंघां ने गोलियां दागियां, बहुत सारे सिंघां ने गोलियां चलाईयां। इक ना लगी कट के तिस बेरे, हालांकि जिन्ने सिंह सन बड़े बड़े निशानची सी, पर महाराज जी की पता नहीं की कला वरती कि किसी भी सिंह की गोली जड़ी सी वो कड़े नू नहीं लगी। वो जड़ी हांडी टुरी आउंदी सी, कड़ा टुरिया आउंदा सी ना पानी च, ते देव ने तो पानी भी हौले हौले चलदा सी, उत्थे थोड़ा सी पानी ते डूंगा सी। सिंघां ने गोलियां चलाईयां, सारिया ने निशाने लाए, दो दो बेरी भी गोली कईयां ने चलाई, पर उस हांडी नू कोई भी तोड़ नहीं सकिया, किसे दी भी गोली उस हांडी नू नहीं लगी। चोर चोर उर में बिस्माए, गोली चलाउंदे आ निशाना ला के, पर जदों गोली नहीं बजदी हैरान हुंदे आ भी कला वरत रही रही है कि गोली उस कड़े दे नेड़े तेड़े भी नहीं लगदी। ए क्या पयो न जानी जाए, बड़े हैरान होए कि आखरे होया की है। बड़े बड़े निशानची सिंह सी जेड़े आवाज सुन के गोली मार दंदे सन ते निशाने नू बजदी सी, पर अज की खेड वरती है, इस कड़े नू ए गोली क्यों नहीं पी बजदी। अगे सतलुज दरिया विच भी ऐसे कई बेरी चोज कीते ने, कड़ा रख के दरिया विच कई बेरी पहला भी गोलियां दागियां ने, पर अज की खेड वरती है कि इस कड़े नू कोई भी गोली स्पर्श नहीं कर रही, नहीं लग रही। तब सतगुर कर तुपक उठाई, फिर सतगुरु जी ने उस वेले बंदूक अपने पवित्र दस्त कमलां विच पकड़ी। दे गिर पत को गिरा अलाई, बंदूक अपने हथां विच, सतगुरां दी जिहड़ी अपनी बंदूक सी ना कमर कस्से दी, वह बंदूक अज भी मंडी सुशोभित है जिहड़ी कलगीधर पातशाह दे पावन दस्त कमलां दी। पाडल साहब उस स्थान का नाम दरिया के कंढे ते सुंदर रमणीक स्थान है, संगतां दर्शन ददारे कर दियां हन उत्थे। ओ महाराज जी दियां निशानियां वजो बंदूक सोभनीक है, एक सतगुरां दा बड़ा सोहना पलंगा मंजा 6x3 दा, ते आकार विच थल्लों जमीन तो उपर नूं छोटा है वड्डा मंजा, महाराज सच्चे पातशाह दे विराजण लई उह भी सोभनीक है। सतगुरां दी बड़ी सुंदर रबाब सोभनीक है, तो ये महाराज जी दियां निशानियां उत्थे सोभनीक ने जो संगतां दर्शन ददारे कर दियां। वो बंदूक जो उत्थे अज भी सोभनीक है, महाराज जी ने मंडी दे राजे नूं आप अपने हत्थी फड़ाई,
फड़ा के मंडी दे राजे नू बंदूक ते सतगुरु जी कहन लगे तू प्रहार गोरी इस माई। महाराज जी कहन लगे राजा आ बंदूक दे नाल तू गोली दाग, ये जड़ा कड़ा होंदा है एदा निशाना तू ला। हत बे बिना लच रह नाई, ए निशाना ऐसा नहीं के नू मारिया ना जा सके, नहीं के नू फुंडिया ना जा सके। हाथ बंद गुर पग कर नमो। भाई सिद्ध सैन राजे मंडी ने हाथ जोड़ के महाराज जी नू प्रणाम करके मंडी पति ले करते समो। बंदूक भरी हुई मंडी दे राजे ने अपने हथा विच लई, प्रथम प्रहारी कट उलटे ओ। पहली गोली चलाई वो गोली जाके घड़े नू बजी ते कड़ा मूदा हो गया, क्योंकि किसी तात दा बनया होना कड़ा मिट्टी दा हुंदा तां टुट जांदा। पहली गोली मारी तां कहिंदे ओ कड़ा जिहड़ा सी ओ उल्ट गया। सूदे ते मूदा कर दयो, सिद्धे तो कड़ा जिहड़ा सी मूदा हो गया। भए प्रसन्न बिलोक गुसाई, कलगीधर पातशाह वेख के बड़े प्रसन्न होए, दसवें पातशाह बड़े खुश होए। मंडी पति सो गिरा अलाई, जदों पहली गोली जाके सीधी दूजी नहीं चलानी पई, इको गोली दे नाल ही जदों कड़े नू गोली बजी ते ओ कड़ा मूदा हो गया ना, उल्टा हो गया। ते वेख के सतगुरु प्रसन्न हो के बोले, बाजा वाले स्वामी कहन लगे रिदे कामना जो तुव होई। महाराज जी कहंदे हे राजा सिद्ध सैन, तेरे मन दी जो कामना है, तेरे हिरदे दी जो इच्छा है, जाच लियो हम पुरवें सोई। ओ तुसी साडे कोलो कामना असी पूरी करांगे। मंगो राजा सिद्ध सैन जी, की इच्छा है तुहाडी, की कामना है, जो कामना करोगे असी पूरी करांगे। हत्यो निशाना हीर प्रसन्न, वाकई बड़ा सुंदर निशाना लाया राजा सिद्ध सैन, ते तू जदो निशाने ते गोली मारी है सानू वेख के बड़ी खुशी हुई है कि तू निशाने नू विन्ने है, तू ऐन निशाने दे उत्ते गोली मारी है। महाराज जी कहंदे सानू बड़ी प्रसन्नता हुई है तेरी इस निशाने बाजी नू वेख के। गोरी मार सकियो ने आनन, वेखो किन्ने सिंह लगे सन निशाना लाउण लई, किसी होर सिंह कोलो गोली नहीं बजी निशाने ते कड़े ते, पर तू पहली गोली ही निशाने ते मार दिती है। हे राजा सिद्ध सैन, असी बड़े खुश होए हां कि तू वाकई बंदूक चलाण विच बड़ा धनी है, निपुण है। मंग तेरे मन दी की कांखा की इच्छा है। सुन गिर पत कर जोर बताई, महाराज जी दे वचन सुन के राजा सिद्ध सैन बोलिया श्री प्रभ मुझको चाह न काई। कहण लगा हे सतगुरु जी, मैनू कोई इच्छा नहीं है, मैनू कोई इच्छा नहीं है। इनू कहंदिया सती दे संतोखी खाए, देण वाले ने आख्या मंग की चाहीदा है, पर अगों जिसने मंगना वह कहंदा महाराज जी कुछ नहीं चाहीदा, सतगुरु आप जी का दिता सब कुछ है, कुछ ना होवे ते मंगा महाराज कुछ नहीं चाहीदा। दूध पूत तन ताम कनेरे, तुहाडे तरस नाल कृपा नाल घर विच दुध भी है, पुत भी है, धन भी है। कृपा आप कीते कर मेरे, महाराज तुहाडी कृपा दे नाल घर विच आही चीजां हुंदियां ने दुध पुत धन, तो महाराज जी ये सारिया वस्तुआं मेरे घर विच पहला ही तुहाडियां दित्तियां होईयां हन। कहा जाच ना करो गुसाई, ए जगत गुसाई मैं होर की मंगा, होर मैनू की चाहीदा महाराज, सब कुछ तो पहला ही आप जी ने बख्शिया होया। प्रथम करी पूरन समुदाई, महाराज जो कांखा पहलों सी मेरे हिरदे विच वो आप जी ने कृपा करके पूर्ण कर दिती है। सुन पुन पनियो प्रभु कुछ मांग, सुन के सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी बोले, कहन लगे हे राजा सिद्ध सैन
असी प्रसन्न हाँ, साडा मन करदा तुसी कुछ मंगो, साडा दिल करदा असी तुहानू कुछ दान देईए। पूरन होए देर नह लागे, साडा वचन है जो तुसी मंगोगे जो कांखा करोगे वो तुहाडी पूर्ण होवेगी, देरी नहीं लगेगी। रिस प्रसन्न ने निफल हमारी, साडा रिस ते साडी प्रसन्नता कदे निष्फल नहीं जांदी। या ते देओ चाहे उर तारी, इस करके असी तुहानू कुछ देना चाहुंदे हां राजा सिद्ध सैन। हे राजा मंडी तुसी मंगो तुहाडी की कांखा है। तब मंडी पति हरख उचारा, राजा बड़ा खुश सी सतगुरां दे बचन सुन के ते बोलिया बड़ी खुशी नाल, कहण लगा बो पुष्टन लग राजी हमारा, राज कृपा करो मेरिया कुलां विच बहु पुश्तां तक जेड़ा राज भाग है। रहे इसी बिद जाचन करो, राज मैं मंगदा हां मेरिया पुश्तां च इसे तरह ये राज भाग बनिया रहे। मेरिया जेड़िया नस्लां ने अगे पुश्तां ने महाराज उन्हां दा ये राज भाग इसे तरह बरकरार रहे। ए कृपा करो महाराज जी, जे दान देना ता ए दान दे के नवाजो। ए इच्छा एक उर मैं तरों, ए इच्छा एक जरूर मेरे हिरदे विच है के मेरी पुश्तां दे विच भी मेरा राज भाग बनिया रहे। उपजे पंथ समूह तुम्हारे, आउण वाले समय विच महाराज आप जी दा तजस्वी खालसा पंथ उपजना है, आप जी दा महान प्रतापी खालसा पंथ होना, उदा राज होना। करे राज छीने नृप सारे, उदो इना सारे पहाड़ी राजयां दे राज खोए जाने ने, खालसे ने खो लेने हन इना कोलो। पंथ ने आप जी दे खालसे पंथ ने इना पहाड़ी राजयां कोलो राज खो लेने हन। सुन सतगुर तत्काल उचारा, राज उदो मेरी कुल विच जेड़ा राजा होवेगा उदा राज बनया रहे, आप जी दा पंथ उदा राज ना खो सके। ए वर दियो, ए बख्शिश करो। ए सुन के कलगीधर पातशाह जी महाराज जी बोले, जो चीने गो राज तुम्हारा, महाराज जी कहन लगे हे राजा सिद्ध सैन, जेड़ा भी आके तेरा राज खोवेगा इस घट सम मूदा कर होवे। जिवें आ घड़ा मूदा हो गया ना गोली वजन नाल, जेड़ा तेरे ते चढ़ के आवेगा उसे इसे तरह जिवें घड़ा उल्टा होया इदा उल्ट के उन्हूं वापस मुड़ना पवेगा, मुद्दा हो के पिछले पैरी उन्हूं वापस जाना पवेगा। जो चीने इत आए न जो है, जेड़ा आके इत्थे तेरे घर दी महिमा नूं ना वेख के तू साडे घर दा सेवक है, आके जबरी तेरा राज खोवेगा। सुन पूपत कीनस पग नमो, उल्ट जाएगा वो, उल्ट जाएगा जिवें घड़ा उल्टिया है। ए बचन जदों कलगीधर पातशाह दे राजे मंडी ने सुने, चढ़ तुरंग चाले तें समो, महाराज सच्चे पातशाह जी उस वेले गुरुदेव दे चरणा विच राजे ने नमस्कार कीती ते चल पिया। सलता उलंगत मंडी आए, दरिया पार करके मंडी पहुंचे हन। उतरे ओ सिवर आन समुदाय, महाराज जी दा सारा डेरा मंडी शहर दे विच उतरिया है। सर्ब रीत की नृप की सेवा, सब प्रकार नल मंडी दे राजे ने सतगुरां दी सेवा टहल कीती है। करे रिझावन श्री गुरुदेवा, गुरु जी नूं इत्थे रख के बड़ा प्रसन्न कीता, गुरुदेव दी सेवा करके महाराज जी दीयां खुशियां लईयां। कीतक दिन प्रभ तां टिकाए, सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी नूं इहने बेनती करके अपने कोल ही किले च टिकाया। सेवै भूपत कर बहु पाए, राजा बड़ी भावना नाल बड़े अदब नाल सतगुरु दे चरणा दी सेवा करदा है। एक दिन हित अखीर ले गए हो, सतगुरु जी नूं शिकार खेडण वास्ते
मंडी दा राजा सिद्ध सैन बेनती करके नाल लेके गया संग आपो बन बिचरियो आप नाल चल के सतगुरां नूं दसदा महाराज इत्थे शिकार बड़ा मिलदा है इत्थे शिकार बहुत है तू आप बन विच जंगल विच सतगुरां नूं नाल लेके शिकार खेडण लई विचरदा है गढ़ कमलाह निकट चल गए कमलाह गढ़ इत्थे इक किला है बहुत वड्डा बड़ा विशाल किला है महामवासी थल दिख रहे ने वो किला महाराज जी नू बखाया महाराज बड़ा की किला है एक कमलागढ़ जेड़ा किला है महाराज ए बड़ा मवासी है बड़िया बड़िया कोलों भी नहीं तोड़िया गया तिसके निकट सिवर कर दयो इधर पातशाह जी ने उसे किले दे नेड़े जाके डेरा कीता एक गढ़ गुरु तहां रच लयो नेड़े ही कमलागढ़ जेड़ा सी जिथे सतगुरां डेरा कीता महाराज जी आख्या इत्थे इक असीं अपना किला भी बनाउणा वो कमलागढ़ दे नेड़े महाराज जी ने एक अपने नां ते किला रचिया उस किले दी सेवा मंडी दे राजे ने करवाई उस किले दा नां सतगुरु जी ने गोबिंदगढ़ रखिया बैठे बचन पयो गुर केरू बैठिया महाराज जी दा बचन होया इस थल पंथ आए जब मेरू महाराज जी कहंदे समा आवेगा जदों मेरे पंथ दा प्रताप वधेगा मेरा खालसा इस जगह ते आ जिथे असी गोबिंदगढ़ किला बना के बैठे हाँ इत्थे साडा खालसा पंथ आवेगा तब कमला मवासी लै उदों आ जिहड़ा कमलागढ़ किला कहा जांदा भी आकी है तोड़िया नहीं जा सकदा मेरा खालसा आके इस किले नूं तोड़ के फतेह करेगा आवेगा और आके इस किले नूं तोड़ करेगा राजी अपना इहां टिके है इत्थे मेरे खालसे पंथ दा राज टिकेगा सुन मंडी पति कथा बखानी सुन के मंडी दा राजा जो उस किले दे बाबत कहावतां सन किले जदों वड्डे वड्डे बणदे है उना किलिया दे संबंध विच वड्डियां वड्डियां कहानियां लोकां विच उदां ही प्रचलित हो जांदियां जिन्हां नूं दंद कथावां कहिंदे ने जिहड़ियां उस कमलागढ़ किले दे वास्ते दंद कथावां प्रचलित सन ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਭ ਤੇਰਿਓ ਮਵਾਸ ਮਹਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਕੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਕੰਦਰ ਇਸ ਥਲ ਆਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਇਸੇ ਛੁਟਾਇਓ ਸਿਕੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਮਲਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਵੇ ਕਰ ਬਹੁ ਯਤਨ ਗਇਓ ਸੋਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤਿਸ ਟਿਗ ਅਫਲਾਤੂਨ ਉਚਾਰਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਸ ਕੇ ਸਮ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸ ਕੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇਜ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਲਬੂਤ ਰਚ ਲਏ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਲਬੂਤ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਲੁਕਿਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ
जिस वर्गा तेज तरार दिमाग बंदा कोई नहीं सी। अद्भुत मत अतिथि तिस पाई, इने कोल बड़ी अद्भुत मत सी। तिसने पर्वत की नस जानी, उने पहाड़ा दी जेड़ी ये नस सी ओ जानी। टंक दई तब निकुटे ओ पानी, महाराज ओ जदो आया ना इत्थे इस किले दी कमलागढ़ दी उहदे कमजोरी वेखी भी इत्थे एक पानी जेड़ा अंदर जांदा है ओ पानी अंदर जानदा जेड़ा जिथो पानी जांदा सी उहने पानी बंद कर दिता। उहने दी नस समझ ली भी कित्थों इहनू काबू कीता जा सकदा है। उन्हें नस फड़ ली, ए नस की सी कि जेड़ा पानी जांदा सी इस किले दे अंदर उस पानी नू उन्हें आके अफलातून ने रोक दिता। अतर नृप जप सुर पत केरा, इत्थे एक राजा सी अतर नाम दा राजा सी, उदे ते फिर इंद्र जेड़ा सी ओ प्रसन्न होया। पयो प्रसन्न आए तिस बेरा, प्रसन्न होके राजे अतर दे उत्ते आया। एक पत्थरी कन जुत कर दीन, महाराज इत्थे कहानी प्रचलित है भी इंद्र ने एक पत्थरी छोटी जी ओ राजे अतर नू दे दित्ती कमलागढ़ दे किले विच। सो संपट मैं पावन कीन, उन्ने ओ पत्थरी लै के एक डब्बे दे विच पा लई। पैसा पर कन केर अकारा, जिवें एक छोटा जिहा पैसा हुंदा एदां दा एक छोटा जिहा बदल ओहदा बणदा सी जदों पत्थरी बाहर कढ़दा सी। जब खोले तब कर विस्तारा, जदों खोलदा सी ते ओह बदल दा बड़ा वड्डा विस्थार हो जांदा सी। इस गिर सम होए कर बरसावे, जिहड़ा ये पहाड़ है इहदे वर्गा हो के फिर वह मीह पा दिंदा सी किले दे अंदर। अधिक नीर की नस मन पावे, मन भौंदा पानी जिहड़ा सी वह फिर उत्थे अंदर बन जांदा सी। जब संपुट मैं पत्थरी तरे, पत्थरी जदों मुड़ के डब्बे दे विच रख दिंदा सी। लगू होए सपुंट मैं कन बरे, वह कहिंदे जिहड़ा वह बदल हुंदा सी वड्डा वह फिर छोटा जिहा हो के पैसे के जिन्ना आकार बना के उस पत्थरी दे नाल ही डब्बे विच बस जांदा सी। इह कहानी इत्थे प्रचलित है। जब चाहे तब ले निकारी, जदों किते उहनूं मींह दी लोड पैंदी सी पाणी दी, ओह राजा उहदे विचों पत्थरी बाहर कढ लैंदा सी ते पाणी इकट्ठा करके मुड़ के फिर विच पा दिंदा सी। बरखा वै बरखा बरबारी, इदां जदों उहदा मन करना उहने मीह पा लैणा। हीर सिकंदर एव मवास, इदां अफलातून ते सिकंदर वर्गे भी इस किले नूं महाराज जी नहीं जित सके। उहनां आखिया भी इह किला आकी है साडे तों। त्याग दई गढ़ लै बे आस, इस किले नूं लैण दी जिहड़ी आस सी ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਗਇਓ ਅਪਰ ਥਲ ਰਿਓ ਮਵਾਸ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਲੈ ਬੇਕਰ ਆਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸਮਾਂ ਅਸ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਨ ਖਾਲਸਾ ਤੋੜੇ ਸੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਬਸੇ ਦੁਰਗ ਰਚ ਤਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਲਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਚ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਾ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 1839 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕਮਲਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਏ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ,
ਕੀਤਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਬੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਕਰ ਅਸਵਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਚੱਲ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਚੜ ਸਮੁਦਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਵੀ ਕਹੇ ਜੋ ਗੁਰ ਵਰ ਦੀਨੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਹਮਨੇ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1839 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਭੂਪਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਲੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਤਕਾਲ ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਦੀਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੂਧਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗਡੋਗਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਓ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਕਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੁੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਿਆ ਪਿਤ ਸੁੱਤ ਦੋਨੋ ਮ੍ਰਿਤਯੁ ਕੋ ਪਾਏ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦਨ ਦਿਓ ਉਲਟਾਏ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੂਧਾ ਕਰਮ ਆਖਣ ਦੇਖਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੂਧਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਥਿਰਿਓ ਵਿਸ਼ੇਖਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਨਿਫਲ ਕਿਮ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਭਲਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੜ ਕਮਲਾ ਖਾਲਸੇ ਪਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾਗੜ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾਗੜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਬਚ ਸਫਲ ਜਨਾਵਨ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੀ ਕਰਿਓ ਉਚਾਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਰਸ ਪੂਰਨ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੋਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਭਈ ਜਥਾ ਪਾਵਨ ਕਹਿ ਤਥਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ
अच्युत हे पार ब्रह्म हे पूरन हे सर्वमय हे संगी हे निरंकार हे गोविंद हे गुण निदान हे अपरंपर हर हरे हे संत कै सदा संग हे ठाकुर हो दास रो नानक दीजै नाम दान राखो ही परो आए प्रभ शरणागति कृपा निधि दयाल अखर हर मन बस्त नानक ओत निहाल गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार शरदा कर सेवन दे और पारे उतार निहार गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार शरदा कर सेवन दे और पारे उतार निहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.
श्री वा परिधान जगत गुरु हे संसार ताप हरने करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ दीन जाए स्मरंत नानक राम दामोदर माधव निमाणियो के मान गुरु नितणियो के तान न्योटिया की ओर न्यासिया के आसरा तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवार गरीब निवार गरीब निवार आत्म रस जह जानिया आत्म रस जह जानिया आत्म रस जह जह जानिया आत्म रस जह जानिया हर रंग सहजे मान हर रंग सहजे मान आत्म रस जह जानिया आत्म रस जह जानिया आत्म रस आ
आत्म रस जय जा